अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यू माई यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपका CNIC गुम हो जाता है, ठीक है, काम के दौरान, तो आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरी वीडियो को लाइक करें, और अगर मेरे चैनल पे आप न्यू हैं तो काइंडली आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को कंप्लीट वॉच करें। कंप्लीट वॉच करेंगे तो ही आपको इस चीज़ की समझ आएगी, अदरवाइज़ अगर आप वीडियो को स्किप करेंगे तो एक भी बात वीडियो से अगर स्किप होगी तो आपको फिर समझ नहीं आएगी। ठीक है, तो इसलिए आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि काम करते हुए अगर आपका CNIC गुम हो जाता है, जैसे कि दौरान रूटीन में हम अपने वॉलेट में अपना CNIC रखते हैं, बाज़ टाइम ये होता है कि बंदे ने अपने पॉकेट में रखा हो, वॉलेट के अंदर रखा हुआ है, ठीक है, CNIC, लेकिन वो वॉलेट ही पूरा गुम हो गया है। तो अगर वॉलेट पूरा गुम हो गया तो आपने परेशानी होना है, एक दो दिन वेट कर लेना है। ठीक है, अगर तो आपको मिल जाता है, बाज़ टाइम ये होता है कि बंदे ना सिर्फ पैसे निकाल के वॉलेट और CNIC फेंक देते हैं। ठीक है, तो ये अच्छी तो बात यही है, सबसे पहले जब आप किसी का CNIC देखें तो भाई उसको जो नज़दीक होता है डाकखाना हो गया या लेटर बॉक्स होता है, ठीक है, उसके अंदर डाल दें, या सबसे जो आप सोशलिज्म है आप व्हाट्सएप के अंदर डाल दें, डेट उस पर लिख दें उसके ऊपर, पिक्चर के ऊपर, और जहाँ पे ये आपको मिला है वो उस एरिए का नाम लिख दें, नीचे अपना मोबाइल नंबर लिख दें। ठीक है, कि फलां सिटी से फलां जगह से ये CNIC मिला है, जिस किसी का है वो इस नंबर पे रब्ता कर ले तो वो ले ले। ये होती है भाई हेल्प। देखें, अगर आपकी वजह से किसी की परेशानी कम हो जाती है ना, तो भाई आपको चाहिए कि दूसरे की हेल्प कर दें, क्योंकि अगला बंदा बहुत ज़्यादा परेशान होता है जब उसका CNIC गुम हो जाता है, वो तो फुल टेंशन में आ जाता है कि भाई मेरा CNIC अब क्यों नहीं मिलेगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम ना बन जाए। ठीक है, तो आपने उस बंदे की हेल्प कर देनी। देखिए भाई, हेल्प जो होती है ना फ्री ऑफ कॉस्ट करनी चाहिए। ठीक है, ये नहीं आपने कहना भाई आप इतने पैसे दो मैं आपको CNIC आपको भिजवा देता हूँ, गलत बात है भाई। सिर्फ आपने उसको गाइड करना है, सही तरीके से गाइड करना है, ताकि उस बंदे का ख़र्चा भी ना हो और उसकी टेंशन भी दूर हो जाए। जब बंदे की कोई भी चीज़ गुम होती है ना, ये नहीं कि CNIC इधर भाई और भी कोई चीज़ गुम हो सकती है, तो बंदा बहुत ही परेशान होता है, जैसे पिक्चर में आप देख सकते हैं, इतना परेशान बंदा हो जाता है, वो सोचता ही रहता है कि यार अब मेरा क्या होगा। ठीक है, तो आपने यही करना है, किसी की भी कोई भी चीज़ मिले, ठीक है, आप फौरन ही, अगर तो आपको पता चल जाता है ये इस बंदे की है, तो भाई आप उसको कॉल करके बता दें। ठीक है, कुछ भी नहीं होता भाई, देखिए किसी की चीज़ को आप वापस कर देंगे, गुम हो की चीज़ को, उसकी टेंशन दूर हो जाएगी। सही है, तो हेल्प करें एक दूसरे की। अगर आप हेल्प करेंगे तो आपके अंदर एक ऐसा जज्बा पैदा होगा जो सभी के लिए आम हो जाएगा। सभी के लिए आम होने से मुराद ये है कि हर बंदे की आप हेल्प किया करेंगे, हेल्प करेंगे, ठीक है, आपकी एक पहचान बन जाएगी। आपकी जब एक पहचान बन जाएगी तो भाई वो जिस बंदे के भी पास जाएगा वो लेगा, भाई मेरा CNIC गुम हुआ था, बहुत मैं परेशान था, ठीक है, तो इस बंदे ने, ये इस सिटी में रहता है, इसने मुझे कॉल करके पूरा मुझे प्रोटोकॉल दे के इसने मेरा CNIC वापस दिलवाया है, तो वो दुआएं भी देगा, आपकी तारीफ भी करेगा। तो एनी टाइम देखे भाई, इंसान को किसी ना किसी ज़रूरत की, बंदे की ज़रूरत पड़ ही जाती है, ये नहीं होता कि नई ज़रूरत पड़ती, सही है, तो जब ज़रूरत पड़ती है तो ज़रूरत आने पे वो भी बंदा काम आ सकता है जिस बंदे की आपने हेल्प की होती है। ठीक, हेल्प किसी की आपने ये नहीं करनी कि भाई मैं इससे मुफाद लूँगा, अल्लाह के रास्ते में अल्लाह को हाजिर नाजर रख के आपने दूसरे बंदे की हेल्प करनी, ठीक है, उससे ये है भाई, देखें आपने हेल्प कर दी, उसकी चीज़ उसको वापस मिल गई, ठीक है, इससे बड़ी बात कोई नहीं है।
और आपकी अंदर की जो बॉडी की फीलिंग होगी इतनी रिलैक्स होगी ना कि आप सोच भी नहीं सकते। तो भाई अच्छे जो काम करते हैं ना, अच्छे काम से उनकी करने से उनकी ज़िंदगी बहुत ही खुशगवार हो जाती है। ज़रूरी नहीं है यार रुपये पैसे से ज़िंदगी खुशगवार होती है, ठीक है। आज ये वीडियो जो मैंने बनाई थी, ये वीडियो बनाई थी किसी बंदे की फरमाइश थी। उसने बंदे ने मुझे में कहा था कि सर ऐसे होता है, ठीक है, तो काइंडली आप एक वीडियो बना दें, ठीक है, ताकि दूसरे बंदों की अवेयरनेस के लिए, सही है। तो इस तरह आपकी भी वही कोई ना कोई चीज़ गुम हो सकती है। जब आपकी भी चीज़ गुम होगी तो फिर आप भी परेशान होगे, आपकी भी सिचुएशन उसी बंदे की टाइप की होगी, सही है। जब एक बंदे की कोई चीज़ गुम हो जाती है ना, उसको यही ख्याल आ जाता है यार ये चीज़ मेरे लिए इतनी इम्पोर्टेंट है ना, मुझे वापस मिल जाए, सही। देखिए सियाना इसी, जब बंदे का गुम होता है ना, फिर थाने में पुलिस को रिपोर्ट करवानी पड़ती है, ठीक है। फिर उस रिपोर्ट की जो FIR की कॉपी होती है, ठीक है, वो नादरा वालों को चेक करवानी पड़ती है, ठीक है। तफ्तीश बहुत ज़्यादा होती है इस चीज़ की, ठीक है। तो फिर आप देखें इतनी बंदा परेशान होता है, हर बंदे से यार मिस्टेक हो जाती है, बंदे की चीज़ घूम जाए और आपने फौरी ही पता चल जाता है यार फलां एड्रेस का फलां बंदा है, ठीक है। तो आप सिंपल यही है, आप डाकखाने जमा करवा दे, वो खुद ही उसके एड्रेस पे पहुंचा देते हैं, ठीक है। क्योंकि एक नेकी अगर आप करेंगे ना तो आपको ही अजर उसका मिलेगा, ठीक है। कल क़यामत वाले दिन बंदा एक एक नेकी को तरसेगा भाई, तो फिर बंदा सोचेगा काश कि मैंने ये काम अच्छा कर लिया था। कोई पता नहीं है यार कब इंसान ने इस दुनिया से चले जाना है, ठीक है। ये दुनिया बंदे के लिए कंप्लीट नहीं बनी, सिर्फ ओनली जैसे हम किसी भी क्लासरूम में स्टडी करते हैं ना, उसके बाद स्टडी करने के बाद हम अपना पूरा कंप्लीट वो बनाते हैं, सिलेबस कंप्लीट कर लिया, सिलेबस के बाद फिर हमने टेस्ट वगैरह कंप्लीट कर लिया, फिर एग्ज़ाम होता है, ठीक है। इसीलिए ऐसे है, ये जो दुनिया हमारे लिए एक टेस्ट है, ठीक है, इसका एग्ज़ाम हमने आखिरन में देना है, ठीक। उस एग्ज़ाम के रिज़ल्ट जो आएगा वो नेकियों का होगा, ठीक है। जो बदी करेगा भाई उसका रिज़ल्ट तो फिर आपको पता ही है, जन्नत है या तो गलत रिज़ल्ट होगा तो दोज़ख है, सही हुआ तो जन्नत है, बाकी अल्लाह पाक की ज़ात जानती है। ये इसलिए आपको कहा कि भाई देखें, अच्छी बात अगर आप सुन के आपके अंदर एक अच्छी फीलिंग पैदा होती है तो भाई खुश नसीब हैं आप कि आपके अंदर एक आपका ज़मीर जागा हुआ है, ठीक है। तो आपसे सिर्फ मैंने यही बात करनी थी कि एक दूसरे की हेल्प करें, एक दूसरे की आप हेल्प कर सकते हैं भाई। मैंने पहले भी आपको कहा है कि सब बंदे ये सोचते हैं कि हेल्प सिर्फ पैसे से होती है, नहीं भाई, अच्छे अल्फाजों से भी आप दूसरे बंदे की हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। तो आपसे यही गुजारिश है कि आप हेल्प करें, ठीक है, हेल्प करेंगे तो ही आपकी भी हेल्प होगी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई है तो अगेन आपको कह रहा हूँ, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और मेरे चैनल को अपने अच्छे दोस्तों को लिंक फॉरवर्ड करें ताकि अच्छे अच्छे दोस्त इसको देखें, ठीक है। अच्छी चीज़ को आप प्रमोट करो, ठीक है। और इस चैनल का जो मिशन है वो यही है कि हर बंदे को अवेयरनेस हासिल हो। बाकी अगर आप कोई वीडियो चाहते हैं तो आप मेरी चेक कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आपको वीडियो बना दूंगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एवरी टाइम।